विकास पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रही वाराणसी के लिए एक और शुभ समाचार आया है और भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हवाई अड्डे का ऐसा विस्तार जो होगा सबसे विशेष। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनने वाले एशिया के पहले ऐसे एयरपोर्ट की विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसके रनवे के नीचे होगा हाईवे तथा आपको इस परियोजना के एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के साथ ही हम आपको इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति भी दिखाएंगे तथा बताएंगे इस परियोजना में होने वाले भूमि अधिग्रहण की महत्वपूर्ण जानकारी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने देश की आधारभूत संरचना को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए कितना कार्य किया है तथा यदि वाराणसी के संदर्भ में बात करी जाए तो विगत 9 वर्षों में वाराणसी का कायाकल्प ही कर दिया गया है एवं वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट हाईवे तो अपने आप में एक विकास का मॉडल है। बता दें कि पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से गोवा को पछाड़ चुकी वाराणसी एवं धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर काशी में पर्यटकों के इस नगर के प्रति आकर्षण के कारण वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में लखनऊ एयरपोर्ट के पश्चात दूसरा सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है तथा इसके अंतर्गत एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार किया जाना है। परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार का प्रारूप सज्ज कर लिया गया है, साथ ही स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 290 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई है। इस पर 1030 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शासन से स्वीकृति के पश्चात आम सहमति से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि राज्य सरकार से भूमि मिलने के आश्वासन के पश्चात जिला प्रशासन ने 7 गांवों में अधिग्रहण का प्रस्ताव सज्ज कर लिया है। इसमें सगुनहा, गमहापुर, कर्मी, बैकुंठपुर, पूरा रघुनाथपुर और बसनी समेत अन्य गांव सम्मिलित हैं। इन गांवों की 290 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। 857 किसानों की गाटावर भूमि का ब्यौरा भी जुटाया गया है। बता दें कि इस परियोजना में केवल रनवे का विस्तार ही नहीं होगा अपितु नवीन टर्मिनल भी बनेगा। जी हां, वास्तव में 109 एकड़ भूमि में रनवे का विस्तार होना है तथा शेष में दूसरा टर्मिनल भवन का निर्माण प्रस्तावित है। एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जानी है। प्रशासन ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके अनुसार रनवे के विस्तार के लिए पूरा रघुनाथपुर व बसनी में 109 एकड़ भूमि ली जाएगी। दूसरे टर्मिनल सहित अन्य सुविधाओं के लिए गमहापुर, धर्मनपुर, सगुनहा, बैकुंठपुर, कर्मी और मंगारी से 181 एकड़ भूमि ली जाएगी। आपको हम जानकारी हेतु बता दें कि बाबतपुर एयरपोर्ट का रनवे वर्तमान में 2743 मीटर का है। अब इसे बढ़ाकर 4075 मीटर किया जाना है ताकि इस पर अब बोइंग और माल वाहन विमानों की लैंडिंग भी हो सके। टेक ऑफ में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जानकारी के अनुसार इसके लिए सिडनी की तर्ज पर रनवे के नीचे से टनल बनाने पर सहमति बनी है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए 290 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। सर्वे कराकर 1030 करोड़ रुपए का आकलन रिपोर्ट शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति और बजट मिलने के पश्चात भूमि अधिग्रहित की जाएगी। बता दें कि यह देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसके रनवे के नीचे से टनल अर्थात सुरंग से हाईवे गुजरेगा। एयरपोर्ट रनवे का विस्तार होने से यहां अमेरिकी राष्ट्रपति के खास विमान एयरफोर्स वन के साथ बोइंग 777 जैसे बड़े विमान भी सरलता से टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। यह भी बता दें कि वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार की योजना 2015 में बनी थी, परंतु इस पर कार्य अब आरंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की हरी झंडी मिलते ही प्रशासन ने एयरपोर्ट के आसपास सगुनहा, गमहापुर,
करमी, बैकुंठपुर, मंगारी, पूरा रघुनाथपुर व बसनी गांव में भूमि की बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया है। इन गांवों के 857 किसानों की लगभग 290 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। ऐसे में इन गांवों का अस्तित्व मिटने के साथ बड़ी जनसंख्या भी विस्थापित होगी। क्षतिपूर्ति के लिए प्रशासन ने किसानों से बातचीत आरंभ कर दी है। परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि प्लान के अनुसार वर्तमान समय में 2745 मीटर रनवे की लंबाई 1750 मीटर से और बढ़ाई जाएगी। रनवे का विस्तार होने से वाराणसी सुल्तानपुर NH-56 हाईवे टनल के नीचे से गुजरेगा, अर्थात ऊपरी सतह पर विमान उतरेंगे और नीचे से हाईवे गुजरेगा। टनल बनाने को IIT विशेषज्ञों के साथ भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार टनल इस प्रकार से बनाया जाना प्रस्तावित है कि भारी विस्फोटक से भी इसे क्षति नहीं पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ कई बड़े प्रोजेक्ट आने से आने वाले समय में बाबतपुर व आसपास के क्षेत्र की छवि बहुत कुछ बदल जाएगी। एयरपोर्ट से आगे के क्षेत्र में CISF, CRPF व NDRF का ट्रेनिंग सेंटर, सांस्कृतिक केंद्र और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है। इसके लिए लगभग 300 एकड़ भूमि प्रशासन ने चिन्हित की है। इसमें अधिकतर भूमि बंजर अथवा फिर ग्राम समाज की होने से थोड़ी बहुत ही भूमि का अधिग्रहण होगा। इन प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव भी सरकार को भेज दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि सावन के पहले सोमवार के शुभ अवसर पर वाराणसी एयरपोर्ट के पार्किंग में फास्टैग सुविधा का शुभारंभ हो चुका है। इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात AAI द्वारा संचालित यह देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है जहां पर अब फास्टैग से वाहनों की पार्किंग शुल्क कटेगा। इस सुविधा के आरंभ होने से विमान यात्रियों के समय में बचत होगी। यही नहीं, यात्री सुविधाओं में वाराणसी का यह लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में प्रथम आया है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट ने जारी की है। इसमें देश भर के 13 एयरपोर्ट को सम्मिलित किया गया था। 5 अंकों की रेटिंग में वाराणसी एयरपोर्ट को 4.95 अंक मिले हैं। इस कारण से पहला स्थान मिला है। इसके पश्चात इंदौर को दूसरा और गोवा एयरपोर्ट को तीसरा स्थान मिला है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी एयरपोर्ट एक्सटेंशन की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।